अच्छा, आपने मेरा एल्गे का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है? नहीं देखा? अरे फटाफट जाओ देख लो, लिंक भी है ये वीडियो के साथ, देख लेना जरूर। हम अगेन एल्गी के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप कमेंट्स में ना एक बात लिखो कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सा एल्गे देता है आपके टैंक में। सबसे वो एल्गे जो आप निकाल नहीं पाए या आप कंट्रोल नहीं कर पाए, वो कौन सा है कमेंट्स में लिखना जरूर, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं डायोटोम के बारे में। डायोटोम को हम लोग ब्राउन एल्गे भी बोलते हैं। एक्चुअली ब्राउन एल्गे मरीन वाला होता है, लेकिन बिकॉज वो ब्राउन दिखता है हम लोग ब्राउन एल्गे बोलते हैं, बट प्लांटेड एक्वेरियम में उसको एक्चुअली डायोटोम बोलते हैं। एल्गे सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम है, लक्षण है, टैंक में जो प्रॉब्लम है उसका लक्षण। एल्गे इज अ सिम्टम ऑफ अ पॉसिबल प्रॉब्लम इन योर प्लांटेड एक्वेरियम और नेचर एक्वेरियम। ये एल्गे अगेन मैं फिर से एक और बार दोहराता हूं, एल्गे आप निकाल नहीं सकते, सिर्फ कंट्रोल कर सकते, उसको समझ सकते। अगर आप समझेंगे तो आपका टैंक ज्यादा सुंदर होगा। एल्गे बहुत ही जरूरी है, जितना कि वुड या स्टोन या प्लांट जो भी है, एल्गे भी उतना ही जरूरी हिस्सा है एक प्लांटेड एक्वेरियम के अंदर, ठीक है। ये मैंने याद दिला दिया। अभी सब्जेक्ट पे जाते हैं, ब्राउन एल्गे या डायोटोम। ब्राउन एल्गे या डायोटोम आता कब है? पहला चीज, ये आएगा पहले और तीसरे हफ्ते के अंदर। जब आप टैंक स्टार्ट करोगे ना, तो डायोटोम आएगा पहले और तीसरे हफ्ते के अंदर। डायोटोम ज्यादातर, अगर हार्डनेस थोड़ा ज्यादा है ना, सिलिकेट ज्यादा है, तो टैंक में दिखेगा। एक्चुअली स्टार्टअप में हर टैंक में डायोटोम आना एक्चुअली एक अच्छी बात है। क्यों, मैं बताऊंगा, देखते रहो। तो पहले और तीसरे हफ्ते के अंदर आपके टैंक में क्या हो रहा है? आपने सॉइल डाला, प्लांट्स डाला, प्लांट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, रूट पकड़ रहा है, लीफ नया आ रहा है, खाद बहुत है, बिकॉज आप फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हो रोज। और अगर प्लांट ठीक से पकड़ा नहीं और फर्टिलाइजर कंटिन्यू है, तो एल्गे जरूर आएगा, आना भी चाहिए। पहले फर्स्ट मंथ को हम लोग साइक्लिंग पीरियड बोलते हैं, कोई भी प्लांटेड टैंक। तो डायोटोम आएगा ये साइक्लिंग पीरियड में। साइक्लिंग पीरियड का मतलब क्या है? ये पीरियड में आपका टैंक सेटल हो रहा है, आप वाटर चेंज कर रहे हो, बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, प्लांट में रूट पकड़ रहा है, लीफ नया आ रहा है, सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टअप समझो, ठीक है। ये फर्स्ट मंथ में आपको करना क्या है? पहले हफ्ते में 50% वाटर चेंज डेली करो, दूसरे हफ्ते में 3 बार 50%, हफ्ते में 3 बार 3 दिन, तीसरे हफ्ते में 30% 3 बार, और चौथे हफ्ते में 1 बार कर लो। डायोटोम कंट्रोल करने का सबसे सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी मेथड है एल्गे ईटर्स, और सबसे बेस्ट है अमानो श्रिम्प। अमानो श्रिम्प एल्गे डायोटोम को बहुत ही छाव से खाएगा, ठीक है। मजा लेता है खाने में, मतलब पार्टी हो गया समझो उसके। दूसरा ऑटोसिंक्लस एफिनिस एलिगेटर है, छोटा सा है, ठीक है, वो प्लांट अटैक में सकर भी बोलते हैं, बट छोटा सा है, ठीक है। फोटो देखो, ये भी स्टोन में वगैरह जिधर भी है वो खाएगा। और तीसरा है चेरी रेड श्रिम्प या कोई भी कलर वाला श्रिम्प, आपको जो कलर पसंद है आप वो श्रिम्प डालो। ये तीनों चीज आप तीसरे और चौथे हफ्ते में डालो। सो मतलब डायोटोम आने का आएगा तो ये श्रिम्प डालने के लक्षण हो गए ना। ये टाइमिंग बताता है कि आप अभी टैंक साइकिल है और आप श्रिम्प डाल सकते हो। नाउ अभी कुछ कुछ जगहों में जैसे स्टोन में, वो क्रैक में, आप वो डायटम बढ़ जाता है और जाता नहीं। यूजुअली क्या होता है, अगर आपका टैंक बैलेंस में है तो अपने आप चला जाएगा, अगर नहीं गया तो टूथब्रश अच्छे से ब्रश करो, वो जगह में कोने में सब ब्रश करो और निकल जाता, और वाटर चेंज के टाइम पानी निकाल दो, सिंपल सा बात है, ठीक है। अनवांटेड कोई भी केमिकल या लिक्विड डालो मत। आपका टैंक के लिए जरूरी है अच्छा क्वालिटी का सॉइल, अच्छे क्वालिटी का फर्टिलाइजर, गुड क्वालिटी लाइट, फिल्टर, CO2, इस पे ध्यान दो। एडिशनल जो है वो मत डालो। अगेन याद दिलाता हूं, एल्गे आपका दुश्मन नहीं है, दोस्त समझो उसको। आपको ये बताता है एल्गे हर बार कि आपके टैंक में प्रॉब्लम क्या है। नाउ एक इश्यू हो सकता है, अगर डायोटम लीफ से नहीं निकला तो नेक्स्ट एल्गे जो है वो हेयर एल्गे या ग्रीन एल्गे आएगा। दैट मींस आपका टैंक का बैलेंस में कुछ इश्यू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लांटिंग में हेवीली प्लांट करो, आपका डोसेज या फर्टिलाइजर Day 1 से कंटिन्यू करो, वाटर चेंज Day 1 से स्टार्ट करो, एक सिस्टम बनाओ, एक टाइम टेबल लगाओ और उसके हिसाब से चलो। जो फर्टिलाइजर आप सुबह में लाइट ऑन या जो फर्टिलाइजर आप रात को लाइट ऑफ के बाद डालना है वो करेक्टली डालो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो एक प्लांटेड एक्वेरियम में जो प्लांट्स है वो बहुत ही टाइम पे चलते हैं, सनराइज सनसेट ये सब टाइम पे चलता है ना, तो दे आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट बोलते हैं उसको। तो अगर आप एक दिन 9 बजे डालोगे सुबह फर्टिलाइजर, एक दिन 11 बजे डालोगे, एक दिन 1 बजे डालोगे, उसका असर नहीं होता। अगर आप डाल रहे हो तो रोज एक ही टाइम पे डालो, ये इंपॉर्टेंट नुस्खा है, याद रखो। नाउ लास्ट डायटोम आता है इन द स्टार्टिंग। एल्गे ईटर्स इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज टू रिमूव दोस डायटोम्स। डायटोम के कंट्रोल करने का एक ही और बेस्ट तरीका एल्गे ईटर्स है। और जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस हम लोग और बनाते जाएंगे, ठीक है। तो डायटोम के बारे में ये हुआ। अगला वीडियो जो है हेयर एल्गे के बारे में होगा, ठीक है। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्ते।